कलबुर्गी शहर में आज हिंदू जागृति सेना की ओर से एक बाइक रैली निकाली गई। हिंदू जागृति सेना के कार्यालय से लेकर कलबुर्गी जिला अधिकारी कार्यालय तक और मांग की के एसडीपीआई पीएफआई संगठन को निषेध कराए। मीडिया से बात करते हुए हिंदू जागृति सेना के कार्यकर्ता शिवा ने कहा कि ये जो एसडीपीआई और पीएफआई संगठन है उसको निषेध करना और उन लोगों के बैंक खातों को सीज करना, क्योंकि जो कर्नाटक भर में हिंदू कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं और उनकी हत्या हो रही है, इन सभी में ये संगठन का हाथ है। अगर ये कर्नाटक की सरकार उन संगठनों को निषेध नहीं करती तो आने वाले दिनों में हम बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूएमएस मीडिया। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को वीर सावरकर अवर्गे, वीर सावरकर अवर्गे, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, गंगा माता की, गो माता की, सनातन हिंदू धर्म के। आज हिंदू जागृति सेने के उपलक्ष में हम विरोध प्रकट कर रहे हैं एसडीपीआई और पीएफआई के कंप्लीट बैन के ऊपर। तत्काल में उन सभी लोगों का बैंक अकाउंट फ्रीज होना और सभी लोगों का इंस्पेक्शन करना, ऑफिस हो चाहे कहीं पे भी हो, क्योंकि ये लोग हर चाहे देश विरोधी हो और धर्म विरोधी हो, देश और धर्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देश का धर्म सनातन है, माने या ना माने ये तो है ही है। और दूसरी चीज़, ये लोग चुन चुन के मार रहे हैं और विशेषकर बीजेपी सरकार को, जो केंद्र में और राज्य में रहते हुए भी हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के लिए जो लड़ रहे हैं उन सैनिकों को, जो लोग बचा नहीं पा रहे हैं उससे भी बहुत ज़्यादा कड़ी निंदा करना चाहते हैं। क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे फ्यूल की तरह उपयोग मत करें, आंकड़े गिनिए नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में सनातनियों को पकड़ पकड़ के चुन चुन के मारा जा रहा है। कानून व्यवस्थाओं की खुले तौर पे धज्जियां उड़ाई जा रही है, खुली चुनौती दे रहे हैं उस देश के प्रशासन को और देश को चला रहे राजनीतिक लोगों को, आप कुछ करें या ना करें, हम तो जो करना है वो कर रहे हैं। ये उपलक्ष्य में मार रहे हैं लोगों को। सुनिए आप, विरोध हम प्रकट कर रहे हैं, हम अभी भी सहनशील है, नहीं है बोल के नहीं है, लेकिन ये कानून की व्यवस्था से चलने वाला भारत है और हम पूरे सनातनी कानून की व्यवस्था में विश्वास करने वाले हैं। और ये जो देश विरोधी और विशेषकर सनातनी विरोधी गतिविधियां जो चल रहे हैं, उन सभी NGOs होंदे, संगठन होंदे और पॉलिटिकल पार्टीज होंदे, इन सभी को तत्काल में बैन करने के लिए ये विरोध प्रकट किया जा रहा है और ये हम मांग करते हैं तत्काल में ये इसके ऊपर कार्रवाई हो। राम सेवक शिव। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹಿಂದೂ ಜಾಗೃತಿ ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿನಯಗೌಡ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಾಶಾಳದ ಕೇದಾರ ಶ್ರೀಗಳ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಾದ PFI ಹಾಗೂ SDPI ಪಕ್ಷ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರ್ಕಾರ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹಿಂದೂ ಜಾಗೃತಿ ಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ವತಿಯಿಂದ ಬೃಹತ್ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅನೇಕ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಏನು ಹಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಹತ್ಯೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆ SDPI PFI ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಾದಂಥ ಒಂದು ಹಲ್ಲೆ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಕೈವಾಡ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎದ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮುಂದೆ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಹತ್ಯೆ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು PFI SDPI ಸಂಘಟನೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸ ಹಿಂದೂ ಜಾಗೃತಿ ಸೇನೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತಾವು ನಂಬಲಿಕ್ಕೂ ಸದ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ನಾವು ತಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ.